अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज हम लोग जा रहे हैं, रहीम खान में हूँ मैं, और हम लोग जा रहे हैं डेज़र्ट की साइड। वहाँ पर रेती सिलसिला है, जिस तरह सऊदी अरब में है इस तरह वहाँ पर भी है, रेती रेते। तो जाकर देखते हैं। मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिएगा, वो तो मुझे पता कर देंगे। तो चलते हैं। यह है यहाँ की सबसे बड़ी नहर, और इस नहर में हर साल तकरीबन 10 से 12 लोग डूब कर मर जाते हैं। और ये देखें कितनी बड़ी है, और ये नहर तकरीबन 10 से 15 फीट गहरी है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पतंग मीनारा रहीम खान के अंदर। ये एक पतंग मीनारा है, ये दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरा करके। तो गाइज ये है ये पतंग मीनारा, इसी के जैसे। ये तो एक मंजिला है, सात मंजिला के ऐसे ही सात हुआ करते थे यहाँ पर। तो गाइज ये सात होते थे और ये चार थे, और इसके अलावा हमें भाई सोनू भाई बताएंगे, सर बताएं इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या है। क्या यहाँ पे अंग्रेज़ों की पूरी तारीख है कि इस मीनार के नीचे जो है उस सल्तनत का पूरा ख़जाना दफन है, और एक बहुत बड़ा अजदहा उसकी जो हिफाजत करता है। अच्छा। और कहते हैं कि पूरे चांद की रात को जो लोग यहाँ पे आते हैं तो उन लोगों ने उस अजदहे को देखा भी है। अच्छा। वो निकल के इस पूरी पूरे इलाके का चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पीछे की साइड क्या है, इसके साथ एक बस्ती थी जो आगे की तरफ जो बिल्कुल उल्टी हो गई, पूरी वही उल्टी हो गई थी, बस्ती उल्टी हो गई थी। उल्टी हो गई थी, एक फकीर की बद्दुआ लगी थी इस बादशाह को। तो ये पुरानी सल्तनत के बारे में है। बिल्कुल, जो यहाँ की सल्तनत थी किसी दौर में उसके ऊपर है। और ये सारा पीछे फसल लगी हुई है, फसल है चावल की फसल लगी हुई है। ये मीनार जो बना हुआ है ये समंदर की मिट्टी से बना हुआ है। ये मीनार समुद्री मिट्टी से बना हुआ है, इसीलिए पानी के अंदर, अगर ये जितना रह गया सारा हिस्सा पानी के अंदर होता था किसी दौर में, यहाँ दरिया चलता था। अच्छा,
तो ये था यहाँ पर, इतनी दूर से आए हम लोग ये एक मिट्टी का किला देखने के लिए। कह तो हम इसको मिट्टी का किला ही रहेंगे। बहरहाल जो भी था यही था। तो गाइस ये रहा ये पतंग मीनारा, अभी मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ ये, और ऊपर जाके हो सकता है अच्छा व्यू आ जाए तो दिखाता हूँ। तो ये रहा पतंग मीनारा। मस्जिद है ना, ये कहा जाता है कि जिन्नात की मस्जिद है, और वहाँ पर जिन्नात का कब्रिस्तान भी है। तो अब हम हो सकता है जाएं या ना जाएं, कुछ अंदाज़ा नहीं है। शाम का टाइम हो रहा है बिल्कुल, और वैसे ही 5 बजे यहाँ रात हो जाती है। तो ये था पतंग मीनारा। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। वैसे यहाँ पर इतना कुछ ख़ास था तो नहीं, मतलब मैंने आपको जो बताना था बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ के लिए। और अगर आएँ आप रहीम खान तो ये जगह ज़रूर विज़िट करें, तारीख़ी मकाम है। और कुछ नहीं तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।